फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट ब्लू चिप शेयर्स के बारे में बताया था 2020 के लिए, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज संडे है तो मैं अपना सवाल संडे का 13वां एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। यूजली हम लोग उन्हीं सवालों को पिक करते हैं जिससे कि मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके, तो इसीलिए आप लोग सवाल संडे के वीडियो को जरूर देखा करें, हो सकता है कि आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर सबसे पहले आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारे चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रेखा महत्रे जी का। ये पूछती है, मैं गर्ल हूँ, जॉब करती हूँ, मुझे 30,000 सैलरी है, मुझे होम लोन लेने हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड लेना जरूरी है, और लेना है तो कौन सा लूँ? तो देखिए रेखा जी, म्यूचुअल फंड लेना जरूरी नहीं है होम लोन लेने के लिए। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तब आप मल्टी कैप फंड्स को सिलेक्ट कर सकती हैं। इसमें मॉडरेट हाई रिस्क होता है। टॉप 5 बेस्ट मल्टी कैप फंड्स पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकती हैं। मल्टी कैप फंड्स में आप मिनिमम 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो डेट फंड्स पर भी मैंने एक काफी डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकती हैं। लेते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है सुमन दुबे जी का। ये पूछती हैं, सर मुझे तो इसका ABCD नहीं मालूम, रेशियो, अल्फा, बीटा। हम मार्केटिंग नहीं जानते हैं, सिपाही में हम परसेंट ही देखकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही समझाओ। तो देखिए सुमन जी, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है आप चाहें तो उसी को फॉलो कर सकती हैं। आप चाहें तो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। मल्टी कैप फंड्स जनरली नए इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट के सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है देवेश जी का। ये पूछ रहे हैं, सर आई हैव इन्वेस्टेड 5,000 ESIP फॉर चाइल्ड एजुकेशन इन ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड लास्ट ईयर। इट इज ओके फॉर 15 ईयर्स और शुड आई टेक अ लार्ज एंड मिड कैप फंड फॉर माई गोल? तो इन्होंने SIP किया हुआ है 5,000 का चाइल्ड एजुकेशन के लिए ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में, लास्ट ईयर इन्होंने किया हुआ है। ये पूछ रहे हैं क्या ये 15 साल के लिए इनका ये SIP सही होगा और क्या इन्हें कोई एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लेना चाहिए? तो देखिए देवेश जी, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड अच्छा चॉइस नहीं है आपका, क्योंकि आपके पास 15 साल का टाइम पीरियड है और इस फंड में आपको अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। आप चाहें तो एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं और एक मिड कैप फंड ले सकते हैं। ये दोनों ही कैटेगरीज काफ़ी बेस्ट है 15 साल के लिए। हाँ, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, लेकिन फिर भी ये 15 साल के लिए ये दोनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप केवल एक फंड लेना चाहते हैं तब आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप फंड पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो टॉप 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स को देख सकते हैं आई कार्ड पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर। लेते हैं अपना चौथा सवाल। चौथा सवाल है MD तौसीफ का। ये पूछते हैं, सर विच म्यूचुअल फंड कैन गिव गुड रिटर्न्स विद इन 5 ईयर्स? तो देखिए, अगर आप 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप डेट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा डेट फंड के कंपैरिजन में। अदरवाइज आप चाहें तो गिल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गिल्ड फंड में आप निपॉन इंडिया गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये काफी अच्छा फंड है। लेते हैं अपना पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है चंद्रकांत गोधानी जी का। इन्होंने कोरा पर पूछा हुआ है, आप चाहें तो फ्रेंड्स हमारे कोरा के पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूछ रहे हैं, इज इट सेफ एंड एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन PNB हाउसिंग एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन एन 8.4% इंटरेस्ट रेट? इफ नो देन व्हाट आर? तो देखिए चंद्रकांत जी, PNB हाउसिंग फाइनेंस सेफ है। इसका प्रमोटर है पंजाब नेशनल बैंक और ये रजिस्टर्ड है स्टेट ओन बैंक एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल हाउसिंग फाइनेंस से ये रजिस्टर्ड है। लेकिन इसमें आप 3 महीने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप 6 महीने बाद अपना पैसा निकालते हैं तो आपको केवल 4% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप 6 महीने के बाद और मैच्योरिटी पीरियड से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो 1% का कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसमें 1 ईयर का जो रिटर्न है 7.20% है, 5 ईयर्स का 8.64% और 10 ईयर्स का 10.61% है। सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 0.25% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया जाएगा। हो सका तो फ्यूचर में हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आयुष दास जी का। इन्होंने भी कोरा पे पूछा है। ये पूछते हैं, हाउ डू यू डिफाइन ए गुड परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको डिफाइन करना है कि कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको इसके लिए किसी पर्टिकुलर फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखना होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है आपको फंड मैनेजर, कि फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं,
और आपको ये भी ध्यान देना है कि वो फंड मैनेजर बहुत सारे फंड्स को मैनेज ना कर रहा हो। आपको रोलिंग रिटर्न को भी देखना चाहिए कि उस फंड का रोलिंग रिटर्न अच्छा है कि नहीं। और ये भी आप ध्यान रखें कि उस फंड में रिस्क कैटेगरी से कम होना चाहिए और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से अधिक होना चाहिए। और आप उस फंड के पोर्टफोलियो को भी देखें कि उस फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है कि नहीं, उसमें अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है कि नहीं। और भी कई पैरामीटर्स हैं जिनको कि आपको देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सवाल संडे का वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप हमें उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल अच्छा रहा तो हम उसको अपने नेक्स्ट सवाल संडे के वीडियो में जरूर इंक्लूड करेंगे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स हो क्लियर हो सके। फिर मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।